हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यातायात सलाहकार समिति की बैठक अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ विश्नोई की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें जिले में यातायात को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिला यातायात सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ विश्नोई ने कहा कि पाली शहर और जिले की सड़कों पर जिस तरह से आवारा पशुओं का आतंक बढ़ा है और जिसके चलते रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है, उन्हें रोकने के लिए पुलिस व परिवहन विभाग और फोर लाइन निर्माण कंपनी को संयुक्त रूप से एक अभियान चलाना होगा, तभी इन आवारा पशुओं को सड़क से हटाया जा सकेगा। भागीरथ विश्नोई ने कहा कि आवारा पशुओं के मालिकों की पहचान कर उन्हें पाबंद करें, वही मालिक नहीं मिलने पर आवारा पशुओं को सड़क से हटाकर गौशालाओं में भेजने के लिए कहा है। इसके अलावा रात के वक्त घूमने वाले आवारा पशुओं के रेडियम लगाने के लिए भी कहा है। इस बैठक में यातायात को लेकर कड़ाई से नियम लागू करने और पालना करवाने को लेकर भी परिवहन विभाग व यातायात पुलिस को निर्देशित किया गया। बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, नगर परिषद के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।